अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा ढाबा स्टाइल में, जिसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया और मैंने दो प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया और अब एक खाने का चम्मच मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये कीमा है 600 ग्राम जो कि मैंने घर में तैयार किया है। असल में जो यहाँ पे कीमा बना के देते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, कीमा नहीं होता, कीमे का हलवा होता है, इसलिए मैं पसंद नहीं करती वो वाला कीमा। आप लोग चाहें तो आप ले सकते हैं, पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान वालों को आसानी से मोटा कीमा मिल जाता है। तो मैं मोटा कीमा बनाना हो तो मैं घर में बनाती हूँ। अब मैंने अदरक लहसुन के साथ इसको कीमे को भूनूंगी, फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ क्या करना। ये देखिए मैंने कीमे को इतना भूना कि उसका पानी सारा ड्राई हो गया और सारा ऑयल ऊपर आ गया। और अब मैं इसके अंदर ये आलू डाल रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप हम वज़न भी ले सकते हैं, जैसे कि आधा किलो कीमा है तो आधा किलो आलू ले लें, लेकिन मेरे पास 600 ग्राम ये है कीमा और मैंने तीन मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, वज़न में होंगे तकरीबन आधा किलो करीब। आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना डालना चाहते हैं। और इनको मैंने इस तरह छोटा छोटा क्यूब्स में काट के पानी में डाल के रख दिया था। और ये टमाटर हैं तीन अदद, इनको मैंने पीस लिया। और साथ में अब मैं पानी डाल दूंगी ये एक बाउल, ताकि कीमा और आलू गल जाएं, फिर बाकी के मसाले डालेंगे। ये एक बाउल पानी में डाल देंगे, इसको ढक दूंगी जब तक पकाऊंगी, जब तक ये हाफ डन हो जाए दोनों चीजें। ये मसाले हैं जो डालेंगे उसके अंदर, काली मिर्च, वाइट मिर्च यानी कि वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, और हल्दी। ये तीनों चीजें हाफ टी स्पून है, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये देगी मिर्च है, ये एक खाने के चम्मच है। देगी मिर्च ज़्यादा कड़वी नहीं होती है, उसका कलर होता है ज़्यादा, बस रेस्टोरेंट में ज़्यादातर ये देगी मिर्च इस्तेमाल की जाती है। अगर आप चाहें तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब है। ये मसाले डालेंगे बाद में, और हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डलेगी, जो मैं अभी नहीं मैंने डाली यहाँ पे प्लेट में, क्योंकि मैं इस भूल जाती हूँ और फिर मैं डाल देती हूँ साथ ही में, इसलिए मैं आपको जब डालनी होगी तभी दिखाऊंगी। कीमा और आलू हाफ डन हो गए, अब जो मैंने आपको ये मसाले दिखाए थे ये सारे डाल रही हूँ मैं। और चूल्हा तेज करके इसको हम भूनेंगे। पाँच दस मिनट के लिए अच्छे से भूने। और साथ में ये प्याज जो कि मैंने आपको बताया था कि दो प्याज मैंने ब्राउन कर लिए और उनको मैंने कैंची की मदद से काट लिया है। आप चाहें तो आप पीस सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है।
आप इसको भूनें, फिर बाकी का काम आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। दो चम्मच में इसके अंदर दही डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आपकी मर्जी है। दही डालने का फायदा ये होगा कि अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा इसका। दही डाल के 2-3 मिनट भूने, फिर उसके बाद कसूरी मेथी डालेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, साथ में ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ 5-6, आपकी मर्जी है आप जितनी डालना चाहें। आप इसमें मोटी वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं, चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, जो कसर बाकी रह गई हमारे आलूओं की और कीमे की वो भी गल जाएंगे, और हमने इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा भी डालना देना है। तकरीबन ये ऐसा होना चाहिए जैसे कि अभी है, तो मैं 1/2 गिलास पानी और डाल रही हूँ क्योंकि पकेगा भी सही। बस ये रेडी है हमारा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ अंदर, और थोड़ा सा छोड़ दूंगी ऊपर गार्निश के लिए, और थोड़ी सी अदरक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके 2 मिनट के लिए दम पे दे दें और बस फिर उतार लें। ये देखिए हमारा सालन तैयार है। आप इसको सर्व करें रोटी के साथ, पराठों के साथ, या नान के साथ, आपकी मर्जी है। अभी रमज़ान आने वाले हैं, आप इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।